नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर आधारित पोषण श्रृंखला के इस वीडियो व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा पोषण जीवित रहने और विकास का आधार है। तो आइए आज इस व्याख्यान के जरिए जानते हैं पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के बारे में। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और मिशन पोषण 2 का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस कार्यक्रम को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 10 मई 2023 को विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण भाग है जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है। जैसे सबसे पहले है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों की देखभाल का एक प्रमुख केंद्र है। बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में सन 1975 में इन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। आंगनबाड़ी का अर्थ है आंगन आश्रय। इस प्रकार आंगनबाड़ी केंद्र भारतीय गांवों में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आंगनबाड़ी केंद्र कई महत्वपूर्ण सेवाएं देते हैं। जैसे पहला है पूरक पोषण आहार, जिसमें 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती व धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं की पहचान हेतु समुदाय के सभी परिवारों का सर्वेक्षण किया जाता है तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष में 300 दिन का पूरक पोषण आहार दिया जाता है। दूसरा है स्वास्थ्य जांच, जिसमें प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में प्रत्येक माह के किसी दिन या स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षेत्र हेतु निर्धारित दिवस में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा के सहयोग से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य जाँच की जाती है तथा जाँच के आधार पर स्वास्थ्य में सुधार हेतु आवश्यक सलाह भी दी जाती है। इसके बाद है संदर्भ सेवाएँ, जिसमें विशेष रूप से चिकित्सीय लक्षण वाले अति गंभीर कुपोषित होने पर उपचार के लिए महिलाओं एवं बच्चों को स्वास्थ्य जांच के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा स्वयं अथवा आशा के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर जिला स्तरीय चिकित्सालयों में संदर्भित किया जाता है। इसके बाद है टीकाकरण, जिसमें प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र या क्षेत्र के अंतर्गत हर महीने किसी एक दिन ANM द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है। फिर है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा स्वयं या आशा और या फिर ANM के सहयोग से आंगनबाड़ी क्षेत्र में गृह भेंट करने का प्रावधान होता है। गृह भेंट के दौरान महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित जानकारी व परामर्श दिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो आंगनबाड़ी केंद्र करते हैं, जो है स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्देश्य बच्चों का मानसिक विकास करना भी है, जिससे वह प्राथमिक स्कूल में और बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल खेल में अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जानवरों के बारे में प्रारंभिक ज्ञान से अवगत कराया जाता है। इसके बाद है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। यूनिसेफ ने प्राथमिक बाल अवधि को गर्भावस्था से लेकर 8 वर्ष तक की उम्र की मान्यता दी है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे हम ECCEB कहते हैं, प्राथमिक स्कूल के लिए बच्चों की तैयारी से आगे जाता है। इसका मुख्य ध्यान बच्चे के सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक आवश्यकताओं के समग्र विकास पर होता है, जो एक मजबूत और व्यापक आधार पर स्थापित करने के लिए होता है। कहा जाता है कि 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों का मस्तिष्क 85% तक विकसित होता है। उनके विकास को अच्छा करने के लिए ही उन्हें सही पोषण की आवश्यकता होती है। इस साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी को इकोसिस्टम से बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ECCE में स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल, सुरक्षा और प्रारंभिक अधिगमन जैसे महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं। ECCE के कुछ मुख्य भाग हैं, जैसे पहला है सार्वभौमिक पहुँच, जिसका अर्थ है
हर किसी को सूचना मांगने, प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार है। दूसरा है समग्र विकास, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के सभी पहलुओं को विकसित करना ताकि वह एक संपूर्ण जीवन जी सके। तीसरा है खेल आधारित शिक्षा, जो वातावरण बातचीत, पढ़ने, सोचने और लिखने को प्रोत्साहित करता है। चौथा है समावेशिता और विविधता, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाए और सभी शिक्षार्थी जिसमें एक साथ भाग लें और शिक्षा हासिल करें। प्राथमिक बाल संरक्षण और शिक्षा का मुख्य ध्यान बच्चे के सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक आवश्यकताओं के समग्र विकास पर होता है, जो एक मजबूत और व्यापक आधार स्थापित करने के लिए होता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण घटक है पोषण, जिसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मिशन पोषण 2 भारत सरकार का एक पोषण अभियान है, जिसका मकसद देश में कुपोषण को खत्म करना है। इस योजना के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त भोजन दिया जाता है, साथ ही आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की मदद की जाती है ताकि वे अपने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त आहार मुहैया करा सकें। इस योजना की शुरुआत 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुई थी। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे देश के मानव पूंजी विकास में योगदान देना, कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना, स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पोषक जागरूकता और खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना, प्रमुख रणनीतियों के माध्यम से पोषण संबंधी कमियों को दूर करना और स्वास्थ्य और पोषण के लिए आयुष प्रणालियों को पोषण 2 के तहत एकीकृत करना। पोषण भी पढ़ाई भी पोषण 2 का एक महत्वपूर्ण घटक है। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 भारत सरकार की एक व्यापक योजना है, जिसका मकसद बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माओं में कुपोषण की समस्याओं का समाधान करना है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना और राष्ट्रीय शिशु गृह योजना को सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 के रूप में पुनर्गठित किया था। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम को नई शिक्षा नीति के तहत बनाया गया है। इसका उद्देश्य भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सार्वभौमिक और उच्च गुणवत्ता वाला प्री स्कूल नेटवर्क सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषण केंद्र बनाना, बल्कि शिक्षा प्रदान करने वाला केंद्र भी बनाना है। वर्तमान समय में देश भर में 14 लाख से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं और इन केंद्रों में 6 उम्र से कम के बच्चों को लिया जाता है, जिसमें उन्हें पूरक पोषण और प्रारंभिक देखभाल के साथ शिक्षा भी प्रदान की जाती है। ये कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं पर जोर देता है। इस कार्यक्रम से प्रत्येक बच्चों को 2 घंटे की उच्च गुणवत्ता वाली प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों को दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है। इसमें 3 और 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए खेल आधारित गतिविधि वाला शिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविकाओं को विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री, जैसे विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, ऑडियो विजुअल आदि की शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसकी सहायता से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहायक होगा। इस कार्यक्रम में ECC मातृभाषा में शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पोषण भी पढ़ाई भी यानी पोषण के साथ शिक्षा को पहली बार सितंबर 2022 में पोषण माह के दौरान एक प्रमुख विषय के रूप में घोषित किया गया था, जिसमें मंत्रालय ने देश भर के समुदायों के साथ 81 लाख शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए। खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत बच्चों के संवेदी और संज्ञानात्मक विकास में योगदान देने के लिए डू इट योरसेल्फ यानी DIY खिलौना किट के निर्माण की सुविधा के लिए खिलौनों के लिए टीम अप शुरू किया गया। अब बात करते हैं पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियों के बारे में, जिसमें पहली महत्वपूर्ण गतिविधि है प्रशिक्षण, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे हम NIPCCDB कहते हैं, इसके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के अंतर्गत 6 वर्ष आयु के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण के साथ पढ़ाई भी करेंगे।
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 3 साल तक के बच्चों के लिए नवचेतना और 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए आधारशिला पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया। नवचेतना पाठ्यक्रम में शारीरिक, भाषा और साक्षरता, सामाजिक, भावात्मक और सकारात्मक आदतें शामिल हैं। आधारशिला पाठ्यक्रम की रूपरेखा में संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक तथा भावात्मक विकास सहित विभिन्न डोमेन शामिल हैं। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की तीसरी महत्वपूर्ण गतिविधि है पोषण। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर छोटे छोटे वनस्पति उद्यानों को निर्माण करने की एक महत्वपूर्ण गतिविधि भी है, जिससे आंगनबाड़ी के बच्चे बागवानी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं, पोषण के बारे में सीख सकते हैं और स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले उत्पादों के महत्व को भी जान सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए पौष्टिक आहार बनाने में ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया जा सकता है। पोषण के अंतर्गत तीसरी महत्वपूर्ण गतिविधि है पोषण केंद्रित खाना पकाने का प्रदर्शन, जिसमें माता पिता और देखभाल करने वाले के लिए नियमित रूप से खाना पकाने का प्रदर्शन आयोजित करना शामिल है। इसके लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने हेतु पौष्टिक और ताज़े व्यंजनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे पोषण एवं समग्र विकास के बीच की कड़ी को सुदृढ़ किया जा सके। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के अंतर्गत चौथी महत्वपूर्ण गतिविधि है सामुदायिक भागीदारी, जिसमें संवादात्मक शिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए स्थानीय विशेषज्ञों, सेवानिवृत्त शिक्षकों और स्वयंसेवकों को संगठित करके समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिए जाने की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें कहानी, कला एवं शिल्प कार्यशालाओं तथा व्यवहारिक प्रदर्शनों के माध्यम से समुदाय के लोग अपने ज्ञान और कौशल को बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं। आशा है कि इस व्याख्यान के माध्यम से आपने पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम को समझा होगा और इस पोषण माह में आप भी अपने स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूक होंगे और अपने समुदाय में पोषण जागरूकता गतिविधियों में भागीदारी करेंगे। धन्यवाद।